आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का मौसम है बहुत ही सुहाना, तो आज हम बहुत टाइम के बाद जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, वो भी सीपी। तो चलिए फिर हम आपको भी घुमाते हैं अपने साथ साथ सीपी में। तो मिलते हैं फिर सीपी में। टोटो क्या कर रहा है बेटा? रोड़ी और रोड़ी। अरे ऐसे नहीं देखते, ऐसे दिखते हैं। क्या देख रहा? तो फाइनली हम सीपी पहुंच गए हैं। अब टूडू जा रहा है अपने नाना के घर। तो उसको हम छोड़ देंगे इसके नाना के यहाँ पे, क्योंकि इसे नहीं जाना। बारिश का मौसम, तो बच्चे को लेके नहीं जाएंगे। तुम साथ घूमने नहीं जाओगे हमारे? क्यों? तो ये देखिए हम पहुंच चुके हैं सीपी, और यहाँ पे देखिए बारिश हो रही है। बारिश दिखा दो थोड़ी सी, देखिए ज्यादा नहीं बट हल्की हल्की बारिश हो रही है यहाँ पे। तो मौसम बहुत ही सुहाना है, इसलिए हम घूमने के लिए आए यहाँ पे। रूडू को हमने छोड़ दिया नानी के घर पे, वो चला गया नानी के घर। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है घूमने के लिए। काफी सारे लोग भी हैं, रश है, बारिश है बट रश बहुत है। तो चलिए घूमते हैं। ये देखिए बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है और सीपी में क्राउड पूरा है। तो आज मस्ती भी करेंगे और बारिश में भीगेंगे। और ये हमारी अनु चल रही है आगे आगे। तो ये देखो, ये तो बाहर आने के बाद भी चुप ही रहती है। घर में ज़्यादा बोलती हूँ मैं, बाहर ज़्यादा नहीं बोलती। बाहर घूमने आइए, थोड़ा सा तो बोल ले। यहाँ पे अगर आप भी आएंगे ना सीपी में, बहुत मज़ा आने वाला है। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे घूमने लायक। और आज का दिन जो है बहुत ही सुनहरा है। बरसात भी हो रही है हल्की हल्की, और पता भी नहीं लग रहा कि बारिश हो रही है। तो आप भी घूमो, मौसम का एंजॉय उठाओ। भी घूम के कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। आप भी आओ, आप भी घूमो। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज सब निकले हुए यहाँ पे। वैसे आज सैटरडे है, तो सैटरडे के दिन आज काफ़ी क्राउड है, बट यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। ये काफ़ी दिनों बाद घूमने आई है, तो इसको बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ एक्चुअली मैं घूमने ज़्यादा जाती ही हूँ, तो आज आई हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इनको अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है, मुझे भी पता। क्या खाने में ऑर्डर किया भाई? ये देखिए खाने में क्या ऑर्डर किया हमने। बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, और ये है। ये कौन खाने वाला है? मैक पफ। मैं खाऊँगी। आपको खाना? मैं नहीं खाता। और ये है हमारी ठंडी ठंडी को। तो हम कर रहे हैं एंजॉय खा के। देखिए दोस्तों कितना ही क्राउड है यहाँ पे। बहुत मुश्किल से आज तो सीट मिली है, फाइनली इसने ढूंढ ही ली है। तो फिलहाल हम इसे पहले ख़त्म करते हैं, फिर आगे नाइट को एंजॉय करते हैं। फाइनली बारिश रुक गई है और वेदर बहुत ही अच्छा है। ये देखो आइसक्रीम की चाहिए थी। हम मैगजी से निकल चुके हैं बाहर, आइसक्रीम खाते खाते हम चल रहे हैं और मौसम का मज़ा ले रहे हैं। वैसे जिस तरह मौसम आज का सुहाना है, इसे रच सॉफ्टी बहुत सुहानी है हमारी आइसक्रीम। अब हम सीटी चलते चलते जनपद आ चुके हैं। ये पूरी जनपद की मार्केट है। ये जनपद की मार्केट है, यहाँ से स्टार्ट होती है हैंडीक्राफ्ट, जो सामान होते हैं वो मिलते हैं हाथ से बनाए हुए। यहाँ पे आपको रीजनेबल प्राइस में काफ़ी कुछ मिल जाएगा, आप एक बार आके देखिए। ये देखिए तो देखना, ये देखिए ज्वेलरी। अरे भैया खा रहे हैं। अभी रात ही नहीं हुई, अभी शाम ही है थोड़ी सी, कुछ देर बाद यहाँ रात हो जाएगी हमेशा की तरह। तो ये हम जनपद के मार्केट से बाहर निकल के मेन रोड की तरफ आ गए हैं।
और अनु ने कुछ शॉपिंग कर ली है अपने लिए, थोड़ी शूज और शॉर्ट्स वगैरह। बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे घूमने में। मुझे तो मज़ा आ रहा है, यहाँ पर महीने में एक बार तो यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। महीने में एक बार हाल मैं तो डेली आ जाऊँ। आप डेली आ सकते हो ना, लेकिन वहाँ पर इतना टाइम नहीं है। तो घूमते घूमते हम लोग आ गए हैं हनुमान धाम सिटी। यहाँ पे बहुत अच्छा क्राउड है, मौसम भी बहुत अच्छा है, बारिश नहीं हो रही, बस हल्की हल्की सी बूंदें आ रही है। जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी। ये हनुमान मंदिर के यहाँ पे दुकानें हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं यहाँ पे। ये अपनी मम्मी के साथ लगी हुई है और ब्लॉग। अनु हाथ पे नाम लिखवा ले। ठीक है मैं लिखवा दूँ, चलो लिखवा दो। पैसे खत्म हो गए हर बार। अच्छा पैसे खत्म हो गए, पैसे अब क्या करेंगे? पैसे खत्म, आप कोई बात नहीं, भैया से पूछ लेता, फ्री में बना लिख लेंगे तो फिर ठीक है। बहुत ही अच्छी जगह है, हनुमान जी का मंदिर है, प्राचीन शिव जी का मंदिर है। यहाँ की कचौड़ियाँ बहुत ही फेमस है, बहुत ही टेस्टी है, आप कभी आओगे तो ट्राई जरूर करना। जितना ही पुराना यहाँ का मंदिर है उतनी पुरानी यहाँ की कचौड़ियाँ हैं टेस्टी। जय भगवान जी। रात के बज रहे हैं 8 और अब हम जा रहे हैं, उसके बाद जाएंगे अनु की मम्मी के घर, यानी 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 मेरी सासू माँ। हमारी सासू माँ बार बार पूछ रही है क्या खाना है, हम कह रहे हैं बाहर खाना है। क्या खाना है? बाहर खाना, पनीर खाना, नहीं खाना, बाहर खाना है इन्हें सब कुछ। अब बाहर आए हैं तो बाहर ही खाएंगे ना। अब तो और भी ठंडा मौसम हो गया, अब घूमने का मजा अब डबल हो चुका है। सावन का मौसम है, सावन का महीना, और सावन में बस बरस रहा है सावन पूरे का पूरा। अब ये नहीं कोई कह सकता सावन में लग गई आग, क्योंकि वो गाना अब नहीं चलेगा। सावन में लग गई ठंड, नहीं सावन में लग गई बरसात। ठीक है, तो ये वो सिनेमा है जहाँ पे अनु को मैंने शादी से पहले फर्स्ट टाइम मूवी दिखाई थी, रिवॉल्विंग सीपी, प्रेम रतन धन पायो, उसको अभी भी नाम याद है। बाकी जो धन है उसका कोई इज्जत नहीं है, बस प्रेम रतन धन, धन की कीमत है, धन की कीमत है, अब पायो कुछ नहीं। सही है, शादी के बाद कहाँ कौन पायो क्या खोयो, सब कुछ पाके भी सब कुछ खोयो, ये होता है शादी के बाद प्रेम रतन धन पायो का। सही है, पर वेदर बहुत अच्छा है, आप लोग भी नाइट में निकलो, बहुत ही औसम मौसम है। देखो अभी तो रात है, और आपको इस मार्केट में यहाँ पे मतलब सिटी में जनपद पालिका और ये जो हनुमान जी का मंदिर है, आपको यहाँ पे घूमने बहुत मजा आएगा, आपका आराम से टाइम पास हो जाएगा, पूरी फैमिली के साथ आइएगा, जैसे भी आइए बहुत ही मजा आएगा। अब हम आपको म्यूजियम की तरफ ले चलते हैं, यहाँ पे एक म्यूजियम है जहाँ पे गांधी जी का चरखा और हमारा शेर वो दिखेगा, तो चलते हैं। तो ये म्यूजियम में जाने के लिए सबसे पहले हमें आके टोकन लेना पड़ेगा, तो मैं जा रही हूँ टोकन लेने के लिए। तो ये 20 का एक जने का टोकन है यहाँ पे, तो हमने ले लिया है, तो चलिए फिर आपको घुमाते हैं म्यूजियम। तो चलिए फिर हम चलते हैं म्यूजियम में, चलो अनु के पीछे पीछे। फॉलो मी। ये जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है ये,
ये हमारे महात्मा गांधी जी हैं, यहाँ जिन्होंने सबको लठ मार के भगाया था, पर एक लठ हंस इसको भी मारना चाहिए था। ये देखो कितना ही अच्छा वेदर है और कितनी अच्छी जगह है। ये हमारे गांधी जी का चरखा, वो भी इतना बड़ा है कि आप चला नहीं पाओगे। ये देखिए यहाँ पे लोग सोते हैं। ये हमारा नेशनल एनिमल। ये देखो चरखा है, ये देखिए पहले गांधी जी का चरखा बहुत छोटा था, ये हमारी अनु का चरखा है। ये चरखा बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है, इसको चलाना बहुत मुश्किल है। बहुत ही अच्छी जगह है ये, आप आइएगा जरूर। यहाँ से आपको पूरी मार्केट दिखाई देगी, पूरा सीपी यहाँ से पूरा का पूरा आपको दिखेगा। रात के टाइम बहुत ही मस्त, मतलब यहाँ पे सीन देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है, चारों तरफ लाइट्स दिख रही है, मौसम भी अच्छा है, और ये गांधी जी का चरखा तो और भी अच्छा है। ये, इतना बड़ा, ये तो बस सुई धागा मूवी का एक चरखा भी है। बहुत ही अच्छी जगह है, आप आओ यहाँ बैठो, घास वाली जगह है पूरी। ये देखिए सभी आज मौसम का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ठंड का मौसम बहुत है, तो प्लीज आप भी आके आनंद लीजिए। तो चलिए फिर आप नीचे की तरफ चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको गांधी जी के 3 बंदर दिखाऊंगा। चलो चलो बंदरिया। अच्छा? ये घास असली है नकली है? नकली लग रही है मुझे तो। वैसे बहुत देखिए बारिश का, वैसे यहाँ पे इतनी फिसलन नहीं है ना। ये देखो गांधी जी के 4 बंदर, बुरा अच्छा? मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो और सब कुछ बोलो वाली बंदरिया। ठीक है फिर, मैं चौथी बंदरिया और 5वें बंदर। ये सही है। एक बार इसके साथ बैठ तो सही, तेरे को भी तो देखो मैं कैसी लगती है। मैं कैसे करूँगी? साइड में बैठ। मैं क्या करूँ इसमें? अब कुछ तो अलग कर, शायद 3 बंदर के साथ 1 बंदरिया क्या करती है। ये पत्थर के शिवलिंग जैसे कैसे हैं? पता नहीं। ये है क्या है? ये क्या बना रखा है इन्होंने? पता नहीं, पहाड़ जैसा बना रखा है। ऐसे ही है ये, मतलब थोड़ा सा दिखने के लिए ना, थोड़ा सा ऐसे बना रखा, डिजाइन बना दिया ना। डिजाइन। तो चलिए फिर हम आपको म्यूजियम के अंदर लेके चलते हैं। तो चलिए अंदर। ये देखिए यहाँ हमारी गांधी जी की यादें हैं यहाँ पे। ये देखिए ये गांधी जी चरखा चलाते हुए, और रियल गांधी जी देखिए, अभी तक आपने गांधी जी जवानी में कैसे थे। बहुत ही अच्छी जगह है, आप लोग प्लीज़ यहाँ पे आइएगा। वो देखिए चरखा देखिए, और वो देखिए गांधी जी की फ़ोटो। ये देखिए गांधी जी की रियल चरखा चलाते हुए फ़ोटो। ये देखिए बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत तरह के चरखे हैं। पंखुड़ी चरखा, ये गांधी जी हमारे, पूरा बहुत बड़ा म्यूजियम है। ये देखिए बहुत ही शांति है यहाँ पे, शांति बनाए रखें। ये देखिए एक और गांधी जी की चरखा चलाते हुए फोटो। देखिए ये देखो गांधी जी की एक और बंदर है, कह रही है यहाँ पे 3 बंदर हैं। ये देखिए
लाउड नहीं बोल सकता कोई भी। यहाँ पे थोड़ा धीरे ही बोलना पड़ता है। देखो ऊपर का वेदर देखो, यहाँ पे अलग से डिजाइन बना रखा है कि आपको लगेगा कि दिन हो रखा है, रात में भी बहुत ही अच्छा। ये देखिए जो उस टाइम चरखे से कपड़े बनते थे, किस तरह रस्सियाँ बन करके रूबिया वगैरह से कपास वगैरह बनता था, ये उसी का। पूरा म्यूजियम का नज़ारा बहुत ही अच्छा नज़ारा है, आप लोग ज़रूर आइएगा। ये क्या है अनु? ये है आज के ज़माने का चरखा। अच्छा, ये सुई धागा जो मूवी आई थी तो उसका चरखा कुछ इस प्रकार से था, वो आप देख सकते हैं। ये देखिए एक एक धागे इसमें यहाँ पे लगते हैं, उसके बाद ये कपड़ा तैयार होता है। तो ये आज के ज़माने का चरखा है और वो पहले के ज़माने में चलते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पीस यहाँ पे मिल रहा है, बहुत ही शांति है। और ये देखिए ऊपर ऐसी झोपड़ियाँ जैसी, जैसे आप जो जैसे गांव में होती है उस टाइप की है बिल्कुल। तो बहुत अच्छी फीलिंग आने वाली है। हालांकि अभी रात हो रखी है, तो दिखाते हैं अभी आपको अगली चीज़, देखते हैं। तो चलिए फिर हम बाहर चलते हैं। चलो अब हम गांधी म्यूजियम पूरा घूम चुके हैं, आपको भी दिखा चुके हैं सब, तो हम चलते हैं फिर। आप भी कभी आइएगा तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत शांति है। तो अब आ गए हैं हम पालिका बाजार। तो ये देखिए यहाँ पे टी शर्ट, पैंट, जीन्स। ये पालिका की आउटर मार्केट है और रात हो गई है, तो ये सब लोग उठा रहे हैं अपना सामान, तो हमें बंद कर रहे हैं अपनी दुकानों को। हाँ ऑलमोस्ट तो उठ ही चुका है सारा, खाली है साथ। अनु अब भूख नहीं लगी? भूख तो लगी है, चले फिर चलते हैं। चलिए फिर चलते हैं खाना। चलो ढूंढते हैं कोई बढ़िया सी जगह। तो ये देखिए अनु अपने अंकल के साथ बैठी हुई है और ये पाजी है। गेस व्हाट, हम किस रेस्टोरेंट में आए हैं खाने खाने के लिए? यह है पिंड बलूची सीपी। तो आइए चलते हैं। तो हम हैं पिंड बलूची के अंदर और यहाँ पे इतना रश है ना कि हमें बोला कि 20 मिनट्स वेट कीजिए आप, तो हमें वेट करना पड़ेगा। चलो वेट करते हैं, बहुत ही ज्यादा क्राउड है यहाँ पे। और यही नाच पंजाबी सॉन्ग चल रहे हैं, मजा आ रहा है यहाँ पे। ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। चलो वेटिंग तो नहीं करनी पड़ी। सेटिंग मिल गई है, हमारा खाना आ गया है। तो ये देखिए हमने ये ऑर्डर किया था गार्लिक नान और ये हमने कढ़ाई पनीर ऑर्डर करी थी। ये है हमारा खाना, अब हम शुरू करेंगे खाना खाना। और ये पिंड बलूची में देखिए, ये सामने टीवी भी लगा हुआ है, तो काफी अच्छा है। दिल वाले दुल्हनिया और ये दिल वाले दुल्हनिया भैया है जो यहाँ पे अपना जो भी है तबला उबला बजा रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ का सीन काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे ना, बैठे हुए हैं यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, दोस्त, फैमिली, तो ये काफ़ी अच्छी जगह है। ये आप भी जरूर आइएगा। तो चलिए फिर हम अपना खाना एंजॉय करते हैं, ठीक है। खाना तो बहुत ही अच्छा था, हमें बहुत मज़ा आया खाना खा के। हमने कढ़ाई पनीर और गार्लिक नान ऑर्डर किया था, बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही यम्मी था। तो जब भी आप आएंगे ना तो प्लीज़ आप भी ऑर्डर कीजिएगा, यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा था। अब बिल मंगवाते हैं फिर बाहर चलते हैं। अब बस हम डायरेक्ट घर जाएंगे और कुछ नहीं है, हम काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं, खाना खा के मज़ा आ चुका है हमें, घूम घाम के भी।
पसंद